निकले एक ऐसे सफ़र पे जो मेरा पहला मानसून का सफ़र है, और आप पीछे देख सकते हैं इतनी खूबसूरत वादियाँ। और अभी मानसून जस्ट स्टार्ट ही हो चुका है, तो इस मानसून के पहले ट्रिप पे मैं जाने वाला हूँ तुंग फोर्ट पे, जो कि सिचुएटेड है पुणे में, और अभी आधा डिस्टेंस बाकी है। तो हमारे साथ अभी फ़िलहाल में है जयेश और बाकी दो जन तो आगे निकल चुके हैं। आप सब अभी रास्तों के नज़ारों का मजा लीजिए, हम तब तक अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। मैं रुका हूँ अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए, और आप बाहर देख भी सकते हैं कि बाहर मौसम बहुत बढ़िया हो चुका है और बारिश भी चल रही है। पुणे से आते समय हम लोग उस रोड से आए थे, यहाँ से आपको लेफ्ट लेना है, जो कि है आपको ये तिकोना गांव दिख जाएगा, यहाँ से लेफ्ट टर्न। वो दोनों आगे चले गए थे तो उनके लिए रुके थे, तो चलो अभी यहाँ से कुछ 19 किलोमीटर बचा है, और आप पीछे देख सकते हैं माउंटेन और पीछे इतने सारे क्लाउड्स, ऊपर जाके और भी मज़ा आने वाला है, तो आई एम सो एक्साइटेड। तो दोस्तों यहाँ से कुछ किलोमीटर आगे जाते ही हम पहुँच जाएंगे तुंग फोर्ट, तो उसके लिए हमें तुंगी विलेज के लिए जाना पड़ता है, तुंग फोर्ट अगर जाना है तो। वी हैव रीच्ड द बेस पॉइंट ऑफ तुंग फोर्ट, और यहाँ पे आपको नीचे मतलब ऊपर आते आते ही यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि इस फोर्ट पे काफ़ी सारे स्नैक्स वगैरह है, तो स्नैक्स जो पकड़ते हैं सर्प मित्र उनके नंबर्स वगैरह दिए गए। ऊपर चढ़ते चढ़ते हमें दिखता है ये वीरगढ़ स्मारक, तो यहाँ पे जो भी मावड़े लड़ाई में शहीद हुए थे तो उनकी याद में ये स्मारक बनाए गए, और आप अभी ये पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर स्टॉप करके पढ़ लो, क्योंकि इसका मीनिंग यहाँ पर लिखा गया है। ऐसा ऊपर आते ही देख लीजिए नज़ारे ही बदल गए। ऊपर आते ही हमें दिखती है पहले स्वराज्य पहरी, जो कि है फर्स्ट एयर, जिसे फर्स्ट एयर माना गया इस किले का, और यहाँ पर है वीर चपेटदान मारुति की मूर्ति, और इसे चपेटदान इसलिए कहा जाता है कि ये मूर्ति, बाकी आप भगवान हनुमान जी की मूर्ति में देख सकते हैं कि उनके पास गदा होता है, खासियत ये है कि खंजीर धारण किए हुए गले में। वैसे जीवधन के बाद अभी बाकी सारे फोर्ट चढ़ना इतना कुछ हार्ड नहीं लगा, क्योंकि ये जीवधन हमने दो बार चढ़ाई की थी। आपने अगर वो वाले वीडियो नहीं देखे तो वो वाले ज़रूर जाके देखिए, कैसे हम पहली बार में मतलब ऊपर जाते जाते रह गए थे, लेकिन दूसरी बार में सक्सेसफुल हुए थे, और मतलब वो तब का हार्ड था। आज तुम्ही ज्या किल्ल्यावर आलात तो तुंग उर्फ कठीण गड, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी या किल्ल्याचं नाव कठीण गड ठेवलं होतं, कारण हात चढण्यासाठी जेवढा कठीण आहे त्याचं कठीण गड नाव पडलं होतं। तुंगदुर्ग संवर्धन प्रकल्पांतर्गत आम्ही या किल्ल्याला काही सोयी पुरवतोय किंवा दुर्ग संवर्धन करतोय, तर त्यामध्ये आता तुम्ही येताना जर पाहिलं असाल त्या पायऱ्या, तर त्या ठिकाणी इंग्रज कालावधीमध्ये पायऱ्या तोडण्यात आल्या होत्या, तर त्याच ठिकाणी तर आपण पायऱ्या रिस्टोरेशन करून तेवढ्या भागापुरत्या पायऱ्या करतोय, बाकी इतर ठिकाणी पायऱ्या होणार नाही, परंतु जे जे अवघड पॅच आहेत त्या त्या ठिकाणी आम्ही जुन्या पद्धतीने पायऱ्या रिस्टोर करण्याचा प्रयत्न करतोय। त्याच्यानंतर आता पुढच्या हप्त्यामध्ये ह्याच्या जे काही सेफ्टी ज्या जे पॉईंट आहेत जिथं पडण्याची शक्यता असते किंवा काही आहेत, तर तिथं आम्ही 8 mm एक रोप आम्ही फिट करतोय, त्या पूर्ण किल्ल्यावरती रोप फिट केले जातील, जेणेकरून एक सेफ्टी दृष्टिकोनातून पावसाळ्यामध्ये सेफ्टी होईल। त्याच्यानंतर तुम्ही जर किल्ल्यावर आले तर पाहिलं तर ह्या साईडला असे जे बोर्ड दिसत आहे, या बोर्डवरती आम्ही इत्यंभूत प्राथमिक दर्जाची साधनं वापरून तिथं इतिहास तुम्हाला लिहून दिलेला आहे,
त्याचबरोबर एक अधिक माहितीसाठी कोड स्कॅन करा असा एक जो पॉईंट लिहिलेला आहे त्याच्यामध्ये एक कोड दिलेला आहे ज्याच्यामध्ये गाईड जशी माहिती सांगतो म्हणजे या परिसराची माहिती तुम्हाला पूर्ण स्वरूपात कळावी त्या स्वरूपात आम्ही एक नवीन प्रयोग केलेला आहे आणि तो 5 मिनिटाचा व्हिडिओ चालू होता आणि त्याच्यामध्ये पूर्ण माहिती भेटते तुम्हाला. ह्या किल्ल्यावरती हे असे प्रयोग आम्ही अशासाठी करतोय की लोकांनी प्रत्येक किल्ल्यावर करावेत म्हणजे ह्या किल्ल्यावर येणारा पर्यटक हा लांबून येतो अचानक त्यांना इथे खाली गाईड भेटलं त्याची साशंकता नसते. मग अचानक वरती आल्यानंतर तुम्हाला ते माहिती तर पाहिजे किल्ल्याची, मग या कोडच्या स्वरूपात तुम्हाला माहिती भेटली तर त्यामध्ये सगळा इतिहास मिळून जाईल अशा स्वरूपात एक सोय आम्ही केलेली आहे. याचबरोबर या किल्ल्यावरती जे जे काही 2 दरवाजे आम्ही बसवलेले आहेत, 1 दरवाज्याचं काम आता चालू आहे आणि जी तटबंदी आहे ती जुन्या पद्धतीने रिस्टोर करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. खाली जर येताना तुम्ही पाहिलं असाल तर तिथं चुन्याचे घाणं आहे आणि चुना मळून ठेवलेला आहे तो आता पावसाळ्यापूर्वी त्यामुळे काम आज थांबलेलं आहे. आता पावसाळा थांबल्यानंतर पूर्ण काम चालू. चालेल, धन्यवाद. जय शिवराय. त्याच्यावरती गणेशपट्टी म्हणून वरती हनुमानाचं मूर्ती आहे म्हणून गणेश म्हणतात आणि पुढे गणेश दरवाजा नाव पडलेलं वरती आहे पाहण्यासाठी. नंतर त्या साईडला एक मोठं पाण्याचं टाक आहे, त्या साईडला नंतर जा फक्त रेस्के थोडस पाता पावसाळ्यामुळे. जो केव जैसा आप देख रहे हैं इसे बैठे गए थे तो यहाँ पर आप जैसा देख सकते हैं कि ये पूरा ऐसा मतलब ठहरने के लिए जो कि सुरक्षा कर्मी थे तो उनके ठहरने के लिए ये जगह बनाई गई थी. और राइट साइड में अगर हम जाते हैं तो उधर ताते मतलब वाटर स्टोर करने का भी है. का महाद्वार और यहाँ से सामने जाते ही आपको बुरुज दिखाई देगा. तो पहले हमने सोचा कि पहले बुरुज देखते और फिर ऊपर चलते. तो बारिश के मौसम में थोड़ा खतरा तो होता ही है क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं अभी मतलब फॉग भी आ रहा है और अगर लेकिन एक कम फॉग है लेकिन अगर ज़्यादा फॉग आ गया तो नीचे का भी नहीं दिखता. तो आप ज़रा संभाल के आइए, इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है थोड़ा सा. और हम जा रहे हैं अभी बुरुज के पास, तो बुरुज पास सामने ही है. तो अभी हम आ चुके हैं बुरुज के पास. आप देख सकते हैं कि बुरुज अभी थोड़ी सी मतलब हालत ठीक नहीं है इसकी, इसका भी रिस्टोरेशन होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है. और बाकी अभी बारिश काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है तो हम ऊपर का देखते हैं तब तक. ऊपर आते ही हमें दिखता है ये हनुमान द्वार और हनुमान द्वार जी भी रचना के अनुसार बनाया गया है. जैसे कि आप देख सकते हैं कि शत्रु अगर नीचे से आया तो उसे किधर जाना ये मालूम नहीं पड़ता. तो यानी कि जो हम देखते हैं कि दरवाज़ा सामने होता है लेकिन सामने ना रहते हुए दरवाज़ा इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में रखा है ताकि ऊपर जो भी हमारे सैनिक बैठे हैं तो वो जब भी शत्रु आए तो नीचे हमला कर सके. मुझे लगा फोर्ट तो यहाँ पर ही आकर ख़त्म होगा लेकिन फोर्ट तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर है और यहाँ पर है गणेश जी का मंदिर. और ऊपर जाते जाते थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हम आए हैं 12 बजे और अभी बज रहे 4 घंटे ऊपर आने में लग गए. गणेश जी के मंदिर के पीछे ही ये देख सकते हैं आप टाके और एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्टोरेज है पानी का. फोर्ट पर मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि इस फोर्ट पर काफ़ी ज़्यादा बनाना ट्रीज है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर है और काफ़ी सारे जगहों पर है
लाइक जहाँ पर हम पहुँच भी नहीं सकते। अभी सिर्फ छोटा सा पार्ट बचा इस ट्रैक का, छोटा भी नहीं कह सकते, कह सकते कि ये इतना पार्ट बचा है सिर्फ लास्ट, वो फ्लैग तक जाके आएंगे। आई थिंक सो कि ये यहाँ पर ही आकर ख़त्म होता होगा, क्योंकि देखते थोड़ा सा सामने चलते, क्योंकि यहाँ पर एरो तो दिख रहा है। गया नीचे पानी में। तो ये है स्तंभ टाका, तो ये बनाया गया था एक केव के अंदर, और ये सब सामने जाके वापस आ चुके हैं क्योंकि सामने कुछ भी नहीं है। ऑन टॉप है ये तुंगाई देवी का मंदिर, सो अंदर चलते थोड़ा सा दर्शन वगैरह लेते। तो हाईएस्ट पॉइंट पे आके काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, काफ़ी सुकून महसूस हो रहा है यहाँ पे। और वैसे अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फॉग है, इसलिए नीचे का व्यू नहीं आ रहा है। नीचे का व्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहता अगर फॉग नहीं होता तो। लेकिन आसपास के एरिया की बात करूँ तो आप यहाँ पर आना चाहते हो तो आप पवना लेक के पास से भी आ सकते हो, या फिर लोनावाला उतर कर यहाँ पर आ सकते हो। नीचे आते ही ये वाला जो कि तुम यानी कठिनगढ़ का जो ट्रैक है वो हमारा अभी ख़त्म होने वाला है। लेकिन उससे पहले जो सह्याद्री फाउंडेशन के सर मिले थे तो उनके कहे अनुसार आप QR कोड वगैरह स्कैन करके आप किले की इंफॉर्मेशन देख सकते हो, और वो कह रहे थे कि ये बाकी सारे किलों में भी अप्लाई हो तो लोगों को इंफॉर्मेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद होगी। और वैसे हमने ट्रैक स्टार्ट किया था, 6 घंटे हम ऊपर से नीचे जाके आए, और उसमें से 2 ब्लॉगर थे तो दोनों का शूट करते करते बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और ऑब्वियसली आपको वीडियो अच्छा ही लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल पेस आकाश। तो मिलता हूँ आपको इस मॉनसून के नेक्स्ट एपिसोड में, तो तब तक के लिए आप बाकी के वीडियोज़ इन्जॉय करिए।